फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के बाद तीन हसीन लड़कियों ने पहने नायाब ताज। ये थी मिस इंडिया वर्ल्ड सेरा जेन डायस, मिस इंडिया यूनिवर्स पूजा गुप्ता और मिस इंडिया अर्थ पूजा चितकोपिकर। कॉन्टेस्ट के दौरान ये जितनी नजर आए कॉन्फिडेंट, कॉन्टेस्ट के बाद उनके नजर आए उतने ही बुलंद इरादे और हौसले, दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ने के अपने ही अलग अंदाज में। और हो भी क्यों ना, इनके ताज के साथ आई काफी सारी जिम्मेदारियां भी। Your Miss India World for 2007 is Sarah Jane Dias. इस अनाउंसमेंट के साथ ही हिंदुस्तान को मिली इंटरनेशनल अरीना में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हसीना। इस अनाउंसमेंट से सारा की दिल की धड़कनें तो तेज हुई, मगर उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। दो मिनट के लिए मेरी सांसें बंद हो चुकी थी और मेरे पैरों के नीचे से जमीन गायब हो चुकी थी। आई बिकेम नम, आई डिडंट नो व्हाट टू से, आई कुडंट मूव। इट वाज अ मिक्स ऑफ डिसबिलीफ एंड रिलीफ एक्चुअली। सारा के लिए इस ताज तक पहुंचने की डगर थी काफी मुश्किलों भरी। भले ही बाकी कंटेस्टेंट्स ने उनकी बॉडी को वर्स्ट बॉडी चुना था, जिसकी वजह से सारा इतनी हताश हुई कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर सारा ने कभी भी हार नहीं मानी और वर्कआउट्स और डाइटिंग के जरिए अपनी इस खामी से उभरने की कोशिश की। When I was told that Indian women cannot win the best body title, I was so determined कि मैंने वहाँ पे मैंने इतनी मेहनत लगाई और मैं वहाँ जाके बेस्ट बॉडी का टाइटल जीत के मैं वापस आई। मैं भी यही सोच रही थी, मैंने कहा मैं इन सब को दिखाऊंगी। एंड श्योर एनफ आई डिड इट, आई लॉस्ट 5.5 किलोस इन 3 वीक्स। सारा के मुश्किलों का सिलसिला यहीं पर नहीं थमता। एक टेलीविजन बैकग्राउंड के चलते बाकी कंटेस्टेंट्स झिझकती थी खुलकर उनका सामना करने में, मगर सारा ने इस अड़चन को दूर किया उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर। आई गेट इंटिमिडेटेड बाय ब्यूटीफुल वुमेन रियली इजीली एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। मैंने ये बात इसलिए कहा क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला। इट्स ट्रू, आई डू गेट इंटिमिडेटेड बाय ब्यूटीफुल वुमेन, आई थिंक ऑल वुमेन डू, बट आई जस्ट थॉट दैट इट ब्रोक द आइस बिकॉज आई नीडेड देम टू नो दैट आई वाजंट समवन स्पेशल और यू नो एनीथिंग, आई वाज जस्ट लाइक देम, आई वाज जस्ट एज एंग्शियस। मैं उतने ही नर्वस थी और मैं उनकी तरह भी जब से मैं छोटी थी मैं ये सपना देखते चली आ रही थी। तो यू नो आई ट्राइड, आई रियली ट्राइड एंड आई फाउंड दैट इट हेल्प्ड। मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट के दौरान हुई कई सारी ट्रेनिंग, जैसे ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जहां कई हस्तियों ने ली उनकी क्लास और खास टीचर बनी लारा दत्ता ने दी उन्हें कुछ टिप्स भी। उसने कहा कि व्हेन यू आर डूइंग द फेमिना योर एंटायर लाइफ गोज ऑन होल्ड, बी इट योर वर्क बिकॉज शी वाज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड मॉडल, या बॉयफ्रेंड, या योर फैमिली। और ठीक, मैंने वही किया। आई पुट माई जॉब ऑन होल्ड एज अ वीजे, आई पुट माई बॉयफ्रेंड ऑन होल्ड एंड वेल फैमिली तो वैसे भी मेरे साथ नहीं थी, मगर फिर भी आई रियली वाजंट टॉकिंग टू एनीवन मच। लारा की ये नसीहत तो सारा को मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब पाने में मददगार साबित हुई ही, और अब इंटरनेशनल क्राउन को हासिल करना है सारा का सबसे बड़ा सपना, और इसे पाने के लिए सारा तैयार है कोई भी कुर्बानी देने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।